हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष। आप देख रहे हैं UPSLR एजुटेक। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी। सब्जेक्ट का नाम है मेंटल एबिलिटी। इस मेंटल एबिलिटी एक रीजनिंग सब्जेक्ट है जो NTSC कॉम्पिटेटिव लेवल्स के जो पेपर्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। और अगर ये छोटे बच्चे अभी से 9th या 10th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और आगे चल के उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि इस समय की अगर पढ़ाई 9th से लेके 12th तक जो अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेता है तो आगे चल के उसके 12th के बाद जो ग्रेजुएट करनी होती है उसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी अगर अब वो मेहनत कर ले। उसके बाद उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में आज हम पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, और पहले चैप्टर का नाम है कैलेंडर। कैलेंडर जिसमें हम बाइंड करेंगे, मंथ्स दिए होंगे, ईयर दिया होगा, उसमें से आपको डे फाइंड करना होगा। डे फाइंड किया जाता है, कैसे किया जाता है ये सब मैं आपको ट्रिक से करेंगे। इसे इसमें ट्रिक का ज़्यादा और ब्रेन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हर चीज़ रीजनिंग में ट्रिक्स होती है, और ट्रिक के ये सब कमाल करती है। ट्रिक से कमाल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कितनी जल्दी कितनी आसानी से निकल आया। आपके कहीं पे भी है, आपको कोई भी डेट और कोई भी ईयर दे दिया जाए, और कोई भी मंथ, कोई भी डेट, कोई भी मंथ, कोई भी ईयर दे दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत निकाल लेंगे। एक बात और, आपने लीप ईयर सुना होगा कि लीप ईयर सिर्फ आपको बताया होगा कि 4 से डिवाइड किया जाता है, बट ये गलत है। 4 से नहीं, अगर कोई वो उस तरह का ईयर दिया हो, जो सेंचुरी ईयर दिया हो, 2020 चल रहा है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा। और अगर अभी आप इसे डिवाइड करेंगे 400 से, तो आपको 400 से, देखो 400 एक अभी आया को गलत हो जाता है। आपको सबको 400 से भी नहीं डिवाइड करना, और 4 से सबको नहीं डिवाइड करना है। सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करना है, और जैसे 2020 है तो 20 आपको लास्ट डिजिट ले लेनी है, उसके बाद डिवाइड करना है। 4 से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और पूरा कटने के बाद इसमें रिमाइंडर कोई नहीं बचता है, और इसलिए लीप ईयर हो जाता है। अगर 2000 ले लें, 2000 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। अगर देख सकते हैं कि 400 और 4 से डिवाइड करने में क्या डिफरेंस होता है, आप इसे नोट्स कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसे ज़्यादा हो सके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखना भी कोई ज़रूरत नहीं, आपको जितना हो सके ब्रेन में फिट कर लीजिए। और जितना फास्ट करेंगे, देखो IQ लेवल पे होता है, जिसका अच्छा IQ लेवल होता है वो फास्ट कर लेता है, जिसका IQ लेवल थोड़ा कम होता है वो बाद में फास्ट कर लेता है। उसकी फास्ट स्पीड स्लो होती है, IQ लेवल पे होता है, कितनी IQ लेवल होगा उस हिसाब से वो अपना कैच भी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक टेबल दिख रही होगी, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है। टेबल में दिया गया है जनवरी फरवरी 12 मंथ्स दिए गए हैं, उनके नेम लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लीप ईयर दिया गया है, और लीप ईयर एक होता है 700 से, जो 733 जो 700 से स्टार्ट है, उसे जो स्टार्टिंग का जनवरी का 7 कोड है जो स्टार्ट है वो लीप ईयर नहीं है, और जो 623 से स्टार्ट है वो लीप ईयर है। वो लीप ईयर में कोड अप्लाई होगा अगर वो आपको डिवाइड करते हैं 400 या 4 से डिवाइड करते हैं। जब 400 से डिवाइड हो रहा है तो 400 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद अगर आपको वहाँ पर लीप ईयर है और नहीं लीप ईयर मिलता है, तो आपको यहाँ पर लीप ईयर, जैसे लीप ईयर है तो आपको जनवरी का 6 कोड यूज़ करना है, अगर लीप ईयर नहीं है तो आपको जनवरी का 7 यूज़ कोड करना है। और आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, आप यहाँ देखते होंगे 7 डेज होते हैं, तो स्टार्टिंग का होता है संडे से होती है, और सैटरडे पे एंडिंग होती है। लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, पहला होगा आपको संडे, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे का आपको यहाँ पे देख सकते हैं 6 है यहाँ पे फ्राइडे कोड, और सैटरडे का आपको यहाँ पे 0 कोड मिल रहा है। इसका भी रीज़न आपको बताया जाएगा क्या करना है। तो जैसे आपको देख सकते हैं, इतना नोट करने के बाद आप, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको ये कैसे करना है, फर्स्ट टाइम कर रहा है इसलिए मैं बताता हूँ। पहले देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया गया आपको 25 दिसंबर 2020, यही डेट ले लेते हैं और अब इसे निकालते हैं। 25 दी गई है, 25 को दिया गया है, पहले हम इसी डेट लिख लेते हैं, जो जो डेट दी गई है उस डेट को लिख लेते हैं। यहाँ पे डेट मैंने लिख ली। अब डेट लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर, दिसंबर का कोड कितना होगा, दिसंबर का कोड होगा हमारा, ये लीप ईयर है तो दिसंबर का कोड होगा 735 कोड होगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी का सिर्फ कोड चेंज होता है लीप ईयर में, और सारा सेम रहता है। तो 335 होगा, 735 होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं दिसंबर का कोड 5 होगा, तो यहाँ पे हम 25 + 5 लिख लेंगे। उसके बाद आपको पीछे 2020 दिया गया है, 2000 का 20 के दो डिजिट आपको वहाँ के उठा के आपको यहाँ पे प्लस में कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। इसे 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे
20 है तो यहाँ पे 5 रिमेंट, 5 ऊपर आएगा, 5 आएगा डिवाइड करने पे, 5 बार चल जाएगा तो कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। 5 लिखने के बाद अब इसे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है, 7 से डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इसे 7 से डिवाइड किया है, 7 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर आ रहा है फ्राई। यहाँ पे कोड मिलेगा आपको, कोड मिलता है 6, कोड यहाँ पे क्या मिलता है आपको 6, यहाँ पे कोड मिलेगा आपको 6, और 6 का कोड क्या होगा आप देख सकते हैं कैलेंडर में, 6 मतलब 6 का आप सर्किल जो आपको पहले, एक मैंने आपको सर्किल टाइप में या लाइंस के टाइप में आपको जो दिया गया है यहाँ पे, आपको पहले जो दिखाया गया था कि आपको इसे नोट करना था जो उस टेबल में आपने देखा, 7 से डिवाइड करना, उसके बाद 7 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ रिमाइंडर 6, रिमाइंडर 6 मिलने के बाद आपको यहाँ पे करना है इसे, रिमाइंडर 6 होने के बाद जितना हो सके डिवाइड करें, उसके बाद डिवाइड ना करें, उसके बाद रिमाइंडर 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 6 का आपको यहाँ पे सर्किल में देखना कोड क्या है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 6 देखते हैं, 6 है फ्राइडे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको फ्राइडे मिल जाएगा। इसी तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ पे PDF दी जाएगी और सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और प्लस आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर सी दूसरी लिंक में आपको एक दूसरी PDF मिलेगी, दूसरी PDF में उसका आंसर की होगा, आंसर सी की आंसर की आप कह सकते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपको दिखा, आपको मंथ सेम दे दी जाएंगे, उसके बाद ईयर सेम दे जाएंगे, डेट अलग अलग दे दी जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक मेंटल एबिलिटी, पहली बात अगर आप जितनी बार कोई भी चैप्टर खत्म, मेंटल एबिलिटी नहीं होता, जितनी बार करेंगे उतनी बार नए क्वेश्चन मिलते हैं, और ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर मेंटल एबिलिटी इंसान कर ले जाता है, मतलब अगर मेंटल एबिलिटी नहीं कर पाता तो समझो उसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना सब्जेक्ट इतना इजी होता है, इसमें ट्रिक और माइंड लगता है, कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी मुझसे भी गलत हो जाता है, सबसे यार गलती होती है, गलती इंसानों से होती है, कंप्यूटर से हो जाती है, सबसे हो जाती है, एरर सब में होते हैं, हर चीज़ में एरर हो जाते हैं, इंसान से भी गलती होती है, सबसे गलतियाँ होती, मुझसे भी गलती हूँ, अगर मैंने पढ़ाते समय कुछ गलती से कुछ गलत शब्द या कुछ गलती से कुछ बोल दिया हो, मिस्टेक रुक गया हूँ, तो उसके लिए उसे इग्नोर करिएगा और मेन मेन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी और उसमें आपको डाउनलोड कर लीजिए, उसे नोट्स को बना लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और ये हमारा पहला चैप्टर। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल अगर आपको नए वीडियो कंटिन्यू देखने हैं इसके टॉपिक के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, बेल आइकन अगर हमारे चैनल का ऑन कर लेते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन जाने से ये होता है कि नोटिफिकेशन आपको जाएगा, उस पर आपको फ़ोन के स्क्रीन पे बिलो होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने वीडियो अपलोड किया है। हम वीडियो अपलोड करेंगे प्रीमियम के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।